पाशनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति पाशनी द्वारा 9 सितंबर 2024 को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आम सभा एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने अतिशय संबोधन में पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सुनील केदार ने किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति आपकी समिति है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि किसानों का जीवन कितना कठिन है, वे अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करते हैं। फिर वे राज्य के शासकों को कृषि और किसानों की कोई परवाह नहीं है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो किसान परिवार अपनी फसल को गर्मी, बारिश, हवा आदि संकटों से बचाता है, फिर भी वह हमेशा असहाय रहता है। किसान इस धरती पर असली योद्धा और दुनिया का पेट भरने के लिए रात दिन पसीना बहाता है, लेकिन शासकों को उनके सुख दुख से कोई देना देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए नफरत फैलाकर सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें किसानों से कोई सरकार नहीं, इस तरह के विचार रखे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की वार्षिक आम बैठक एवं प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुनील बाबू केदार, मुख्य अतिथि सांसद श्याम कुमार बर्वे, मुक्ताताई कोकटे अध्यक्ष नागपुर जिला परिषद, कुंदाताई राउत उपाध्यक्ष नागपुर जिला परिषद, राहुल कुसुम्बे सभापति वित्त एवं शिक्षण सभापति, जिला परिषद सदस्य अर्चना भोयर, भूतपूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, समाज कल्याण अवंतिका देकुरवाड़े सभापति महिला एवं बाल कल्याण, प्रवीण चोट सभापति कृषि एवं पशुपालन, गोविंदा ठाकरे अध्यक्ष पंचायत समिति सभापति, उपसभापति करुणा भोते, पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे, आमधरे श्रीधर झाड़े, कृषि उत्पन्न बाजार समिति सभापति अशोक चिखले, अध्यक्ष कस्तुर चंद पालीपाल, मीना कावड़े, दयाराम भोयर, उपाध्यक्ष श्रीहरि भट्ट, दीपक भोयर, दीपक वर्मा, पंचायत समिति सदस्य चेतन देशमुख, समस्त कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक एवं परिसर की गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। इस अवसर पर एक भव्य कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बागवानी उत्पाद, बीज, दवा, उर्वरक सामग्री, फल, सब्जी आदि के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए थे। इस बैठक में उपस्थित गणमान्य अतिथियों सहित हजारों किसानों ने आधुनिक तकनीक से तैयार की गई कृषि सामग्रियों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता के आधार पर बड़ी मात्रा में खरीदारी की। एनबीसी न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।